जनता कांग्रेस को पहचान गई है, इसलिए इन्होंने पार्लियामेंट से एक नई शुरुआत की है। अब दूर झोंकना बंद किया है, आंख में मिर्ची झोंकना शुरू किया है। भाई बहनों, कुछ दिन पहले ये शहजादे आए थे विदर्भ में, आप मुझे बताइए भैया, अभी जो 2014 में चुनाव है अप्रैल मई महीने में, वे चुनाव भारत सरकार के चुनाव है कि नहीं है? दिल्ली सरकार बनाने के लिए चुनाव है कि नहीं है? जरा बताओ ना, किसके चुनाव है? दिल्ली सरकार के चुनाव है ना, प्रधानमंत्री चुनना है ना, एमपी चुनना है ना। तो भाइयों बहनों, इस चुनाव में दिल्ली सरकार के कामों की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उन्होंने 10 साल में काम क्या किया उसका हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जनता को पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या क्या किया वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कब कब किया, कैसे किया, किसके लिए किया, क्यों किया, रात को किया कि दिन को किया, देश में रखा कि बाहर रखा, किस किस का किया, ये सारी बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? वो जवाब दे रहे हैं क्या? मुझे बताइए, जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में दिल्ली में बैठी हुई सरकार की जिम्मेवारी है वो जनता को अपने काम का हिसाब दें। सरकार में बैठे हुए लोगों को विपक्ष पर आरोप करने का अधिकार नहीं बनता है। मैं 2012 में गुजरात में चुनाव लड़ा, मैंने जनता को पल पल का पाई पाई का हिसाब दिया। कांग्रेस के लोग आए, झूठ चलाते रहे, शहजादे आए, 2002 में आए, 2004 में आए, 2007 में आए, 2009 में आए, 2012 में आए, रोज एक झूठ का पुलिंदा छोड़ते थे, लेकिन गुजरात की जनता की आंखों के सामने सच पड़ा था। उन्होंने कभी कांग्रेस के झूठ को स्वीकार नहीं किया, उनका झूठ का गुब्बारा उड़ नहीं पाया। और अब विदर्भ में आकर के कह रहे हैं कि गुजरात में विकास के नाम पर झूठे गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं। अरे ये बात तो तुमने गुजरात में आकर के कही थी और गुजरात की जनता ने तुम्हें करारा जवाब दे दिया। और आज चुनाव लोकतंत्र में दिल्ली सरकार का चुनाव है, जवाब दिल्ली सरकार को देना चाहिए और हमें दिल्ली सरकार से जवाब मांगने का हक है। आप मुझे बताइए, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, जरा बताओ ना, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई गई, महंगाई कम हुई? आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? वादा खिलाफी की कि नहीं की? जिन्होंने वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? मैं पूरे महाराष्ट्र को कहने आया हूं कि जो जनता के साथ धोखा करते हैं, जो जनता से वादा तोड़ते हैं, उनसे महाराष्ट्र की जनता नाता तोड़े और सदा सर्वदा के लिए महाराष्ट्र से कांग्रेस एनसीपी को विदाई करे।